तो आज हम जिस फेस्टिवल की बात करें वो है होली। होली 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 होली। हेलो एवरीवन, दिस इज मी ईमान एंड मौसम, और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी वीडियो है। अच्छी तो है, इंटरेस्टिंग नहीं, बहुत फनी फन लविंग है। हाँ, क्योंकि वो कलर से भरपूर है, इसलिए ट्रेलर नहीं है ना कोई आज। हाँ, लेकिन आज की सिटी भी नहीं है, लेकिन फेस्टिवल है बिल्कुल। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं, वैसे तो आपको शायद थोड़ा बहुत आइडिया हो गया हो हमारे कपड़ों से कि हम कौन से फेस्टिवल की बात कर रहे हैं। नहीं, आपको वैसे भी कभी नहीं होता, उधर हो गया होगा कि हम कौन से फेस्टिवल। तो आज हम जिस फेस्टिवल की बात करें वो है होली। होली 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 होली। तो आज हम सबसे पहले होली के बारे में डिस्कशन कर लें या पहले वीडियो देख लें? पहले वीडियो देख। हाँ जी, और जो वीडियो हम देख रहे हैं वो उसमें बहुत सारे लोग होली खेल रहे हैं, लेकिन मतलब इंडिया की तो आई थिंक वो वीडियो नहीं है। मुझे लगा कि कहीं और किसी कंट्री में होली खेली जा रही है, तो पहले हम वीडियो देखते हैं और उसके बाद हम इस पर डिस्कशन करते हैं। वैसे क्या पता ये जो वीडियो देखने में ना वीडियो, हाँ कोई पता भी नहीं है, लेकिन आई थिंक नहीं है ना। हाँ जी, चलें तो लेट्स स्टार्ट एंड वॉच द वीडियो। ये मजे का था, वेरी नाइस। वाह, बेचारे को थैंक यू दिए। आई लव दीज कलर्स। मुझे चाहिए Oh my gosh, so cute। बाल क्रीम के इससे होगी, पता नहीं, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा फेस्टिवल, बहुत मज़ा आया उसको देखकर। और मुझे सबसे चीज़ पता है क्या लगी है, जब उसमें वो इकट्ठे से सब फेंक रहे थे ना कलर्स, और एकदम से वो इफेक्ट आ रहा था, वो मुझे बहुत खूबसूरत लगा। कलरफुल इफेक्ट था ना काफी, वो इस वजह से मुझे ज्यादा मजा आ रहा था। मतलब एडिटिंग भी कुछ इस तरह से की थी ना, वो एकदम से इफेक्ट आता था, तो बहुत प्यारा लग रहा था, है ना। और सब लोग पागल थे, दे वर डांसिंग एंड दे वर प्लेइंग विद द कलर्स, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। और आपको क्या दिल, वैसे मेरा दिल कर रहा था कि काश मैं भी उस जगह पर होती। ये तो मुझे कहते कलर लगा के मुंह पे बैठते हैं। हाँ, मैं तो बोल रही थी कि हम लोग प्रॉपर एक होली है, लेकिन ये कलर लेके नहीं ना आई। जी नहीं, आई हैव कलर्स, आई कैन शो यू वाटर कलर्स, है ना। वो कलर लगाना चाहिए ताकि बाद में साफ ना हो, लेकिन भी परमानेंट है वाटर वाले। क्यों नहीं वो साफ होंगे? अच्छा ठीक है, ये दो और डिस्कशन। अगर हम होली के बारे में डिस्कस करें तो होली एक हिंदू फेस्टिवल है, हिंदुस्तान के फेस्टिवल है, लेकिन होली जो है वो ज़्यादातर फरवरी के एंड में और मार्च के स्टार्ट में आती है, क्योंकि एवरी ईयर इसकी डेट्स चेंज होती रहती हैं। और इसके अलावा जो ये फेस्टिवल है ये बुराई पर अच्छाई की जीत को, वैसे शायद आपको मालूम नहीं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी ये फेस्टिवल मनाया जाता है। जी हाँ मुझे पता है। ये कहाँ पे? सिंध में? नहीं। हाँ, फिर कहाँ? नहीं, सिंध के अलावा भी मनाया जाता है। मतलब कहाँ पर? हमारे पंजाब में, इधर इस्लामाबाद वाली साइड पे भी मनाया जाता है। अच्छा, हाँ जी, मुझे आइडिया नहीं था। तो इस्लामाबाद साइड पे जो है काफी हिंदू फैमिलीज रहती हैं, वहाँ पे भी ये त्योहार मनाया जाता है। ओके, फिर उसके बाद जो कटास टेम्पल्स के इर्द गिर्द के एरिया है वहाँ पे भी ये मनाया जाता है। काफी जगहें हैं पंजाब में भी, बलूचिस्तान में, सिंध में, मतलब केपीके का मुझे आइडिया नहीं, लेकिन पाकिस्तान में जहाँ पे हिंदूज हैं वो ये त्यौहार मनाते हैं और बाकायदा टीवी पे कवरेज भी होती है। वो तो हम देखते हैं कि मुसलमान भी जाते हैं इनके त्यौहार देखने का। मतलब बहुत कलरफुल सा फेस्टिवल है। अच्छा आपको ये पता है कि जो ये फेस्टिवल है मतलब इसकी खसूसियत क्या है, आपको पता है? इसकी खसूसियत ये है कि इस फेस्टिवल में अगर दो लोग आपस में झगड़े हुए हैं या उनके बीच में नाराज़गी है, कुछ फैमिली के बीच में नाराज़गी है या उनके अंदर की कोई प्रॉब्लम, मतलब एक दूसरे से वो कुछ बुरा एक दूसरे के लिए फील करते हैं, तो उन सब चीज़ों को भूल कर एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। यानी कि आप दोबारा से एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से बातचीत करना शुरू हो जाता है। मतलब लोग, ये फेस्टिवल इसलिए भी होता है, लोग एक दूसरे के ऊपर कलर्स फेंकते हैं। फिर तो वैसे अगर ये ऐसा होता तो पाकिस्तान में गवर्नमेंट को चाहिए कि अराइयों पे और गुजरों पे इम्प्लीमेंट करे रूल, नो पर्सनल अटैक। तो और इसके अलावा लोग पार्ट्स, बिल्डिंग्स, हर जगह, मतलब हर एज ग्रुप का जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ इसको खेलते हैं। लोग कलर्स इस्तेमाल करते हैं और वो वाटर गन्स होती हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा सारा रंग लेना, क्या पता कौन है, वाटर गन्स भी और बैलून्स भी, जो वाटर बैलून्स होते हैं ना, वो मैं तो आपको जरूर मारूं। मैं ऐसे जोर से मारूं। मुझे बहुत मजा आएगा। मैं तो सारे यहाँ पे फेंकूंगा। ओह थैंक यू, मुझे बहुत मजा आएगा। ये पर्सनल, यू नो, पर्सनल ग्रजेस हैं, क्रश कौन सा है मेरे को, बहन कौन सा क्रश होगा, ग्रजेस नहीं कर रहे। ओके, तो और अगर हम इसके अलावा बात करें इस फेस्टिवल की, तो ये सिर्फ इंडिया में नहीं मनाया जाता, अब ये बहुत मतलब साउथ एशिया में भी बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में तो पहले ही मनाया जाता था, नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में बहुत ज़्यादा लोग इसको मनाते हैं। मतलब वो इसको लेते हैं स्प्रिंग को वेलकम करने के लिए, प्यार का इजहार करने के लिए, मतलब सब चीज़ें इसमें मिक्स होती हैं। इन सब चीज़ों के लिए वो ये इसको सेलिब्रेट करते हैं। और अगर हम अगर हम इसकी इस फेस्टिवल की कलर्स की बात करें तो पुराने ज़मानों में क्या होता था कि वो नेचुरल कलर्स यूज़ करते थे, जो कि सैंडलवुड से होता था या फिर लीव्स से, हाँ लीव्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता था, या फिर एक और टर्मरिक से, हाँ टर्मरिक से भी पाउडर होता है ना, वो यूज नेचुरल कलर, वो यू नो हार्मफुल नहीं होते थे आपकी स्किन के लिए। लेकिन अभी जो केमिकल्स वाले यूज किए जाते हैं वो डेफिनेटली नुकसानदेह होंगे काफी ज्यादा। तो मुझे तो ये बहुत पसंद है फेस्टिवल, अगर पाकिस्तान में भी हो, पाकिस्तान में होता है हो तो मैं जरूर इसको सेलिब्रेट करूँ। लाहौर में भी होता होगा, पता करना। हाँ मेरा ख्याल में शायद कहीं पर होता हो। अच्छा जी, तो इसी के साथ मेरा ख्याल में इजाजत क्यों कुछ और कहना है? नहीं, इजाजत लेने से पहले हमें कुछ और भी करना चाहिए ना। मैं आपके मुंह पे लगा देता हूँ, आपके मुंह पे लगाना। Because we don't have colors, तो हम इन पोस्टर कलर्स से ही सेलिब्रेट करेंगे। तो हैप्पी होली यू टू। ओके, एक और चीज़ मैं होली के बारे में बताना चाहूँगी कि होली एक दिन नहीं होती, होली के दो दिन होते हैं। जो फर्स्ट डे होली का होता है उसको होली का थान बोलते हैं, और जो सेकंड डे होली का होता है उसको रंग वाली होली बोलते हैं। जो रंग वाली होली होती है उस दिन वो लोग कलर्स के साथ मतलब होली खेलते हैं। जो उससे पहले वाली होती है उस दिन वो अपनी रिलीजियस रिचुअल्स के साथ कुछ इबादत, हाँ मतलब कुछ इस तरह से करते हैं कि जिसमें उनकी जो इनसाइड ईविल्स है वो खत्म होती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं उसके साथ, मतलब उस आग के साथ, मतलब ये कॉन्सेप्ट है। तो हमें तो पहले मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि होली के 2 दिन होते हैं, लेकिन अभी तो मुझे थोड़ा आइडिया है कि होली के 2 दिन होते हैं। तो खैर मुझे तो बहुत मज़ा आया, आपको? बहुत ज़्यादा। और ये कलरफुल सी है, ये ओके फाइन। तो अभी हम चाहेंगे होली के कलर तो मैंने गले में डाले हैं। यस, मैंने स्पेशली इसीलिए डाला हुआ है क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि होली रंगों का एक खूबसूरत फेस्टिवल है और हम अपने तमाम देखने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं होली के मौके पर। बिल्कुल, हाँ जी, होली मुबारक। होली के मौके पर बहुत शुभकामनाएं, होली के मौके पर बहुत शुभकामनाएं देते हैं और पाकिस्तान की तरफ से होली मुबारक हमारे तमाम फ्रेंड्स को। होली मुबारक, होली मुबारक। ओके, अब आपने क्या करना है? कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, और बाय बाय एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। टिल देन, बाय।